समर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। समर्पण कार्यक्रम जिसमें मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो ऐतिहासिक कथा अवगत कराने जा रहा हूँ जो इतिहास में निहित है, और यह दूसरी कथा है। पहली कथा मैं आपको यस टीवी के माध्यम से बता चुका हूँ। ये वो कथा है कि उज्जैनी में प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वह बहुत शूरवीर था, बलवान था, भगवान शिव की बहुत आराधना करता था, अपनी प्रजा का जो पालन पोषण था एक बच्चे के समान करता था। भगवान शिव की आराधना करते हुए वह समस्त भाव अर्पित करता था, जिससे भगवान शिव के जो पार्षद थे मणिभद्र, वह प्रसन्न हो गए और उनके मित्र बन गए। और उन्होंने एक ऐसी मणि भेंट की जिसके स्पर्श मात्र से, ध्यान से समस्त सुख मिल जाते थे, कष्ट दूर हो जाते थे। उस मणि की पूजा आराधना करके वह राजा बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बन गया। बस जब जब पूजा करता तब तब भगवान अत्यंत भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आया उसकी जो सुख समृद्धि है उसको देखकर सभी राजाओं ने अपने आप को इकट्ठा किया और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान शिव साक्षी हो जाएं, संग हो जाएं, फिर कैसे कोई हार सकता है। मेरे शिव शंभु कैलाशपति ऐसे ही है महादेव। जब सारे हार गए आक्रमण करके और जीत राजा चंद्रसेन को मिली, तब वह उसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना में और लीन हो गया। एक दिन वह आराधना कर रहा था, वहीं पास से एक 5 साल का बालक श्रीकर, जी हाँ, वह वहां से गुजरा और उसने मां से कहा कि मां, राजा पूजा कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु, शा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। राजा ने प्रसाद दिया और उसने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, मेरे पास जो वैभव है इन्हीं की कृपा से है। तब वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक उसे पत्थर दिखाई दिया जो शिवलिंग के समान था, उसने उसे उठा लिया। घर पहुंचा और सोचने लगा, क्यों ना ये वैभव हमारे पास भी होना चाहिए। माँ अत्यंत कष्ट भोगती है, माँ को सुख प्रदान करना है, परिवार को मुझे सुख समृद्धि देनी है। कहते हैं कि भक्ति करो तो बालक के समान करो, नो निश्चल हो, जिसमें लालच ना हो, जिसमें केवल सेवा भाव हो। एक कमरे में गया, उसने उस पत्थर की स्थापना की और उसी प्रकार से आराधना करने लगा। माँ ने बहुत पुकारा कि गोप कुमार कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। उसने नहीं सुना। जब नहीं सुना, माँ ने आकर देखा कि ये क्या कर रहा है। वह देखकर क्रोधित हो गई और उसने कहा, क्या इसके करने से फल मिलता है, तुम मेरी बात सुनो। वह नहीं सुन रहा था। माँ ने क्रोध में आकर उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह अत्यंत आतुर होकर रोने लगा और बुलाने लगा महादेव को। महादेव समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने आकर कहा कि हे बालक, रुदन मत करो। अब ये जो पत्थर है जिसकी तुमने आराधना की, ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग होगा जो महाप्रसिद्ध होगा और भावपूर्ण तरीके से माना जाएगा। तब उसे वरदान देकर वह चले गए। राजा चंद्रसेन के नगर में ये बात पहुंच गई, चारों उस बालक की जय जयकार करने लगे। इधर राजा की भक्ति से उस बालक की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। तब उन्होंने यही मनोकामना की कि प्रभु आप यही समाहित हो जाएं। तब से उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैन में, भगवान शिव महाकालेश्वर रूप में स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय गुरुदेव।